आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के किसी खास खबर पर। छपरा में नामांकन एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ ली है। जिला मुख्यालय स्थित नामांकन स्थल पर बुधवार को राजग और महागठबंधन के उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन किया। 118 विधानसभा क्षेत्रों से निवर्तमान विधायक भाजपा के उम्मीदवार के रूप में आज नामांकन करने पहुंचे और कहा कि क्षेत्र की जो भी समस्या रह गई है उसका समाधान करेंगे। वहीं मांझी विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी के रूप में सौरभ पांडे ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से कहा, लोजपा का एक ही एजेंडा है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जिसे धरातल पर उतारने का काम करेंगे। जबकि अमनौर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के राजद के जिला अध्यक्ष सुनील राय ने राजद उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल करने के बाद कहा कि अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। इधर निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष राय ने गठबंधन को कुआं तो महागठबंधन को खाई करार कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी दलों को जनता इस बार सबक सिखाएगी। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। क्षेत्र का विकास तो हुआ ही नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र होते हुए भी एकदम धूमिल है। रोड पर चलते हैं तो चलने का जगह नहीं मिलता है। स्वास्थ्य के लिए किसी भी जो भी जो है पीएसएच वगैरह जो भी है, स्कूल की स्थिति बदतर है। सारे चीज का सुधार होगा, अब कोई बक्सा नहीं जाएगा। मुकाबला आपका किससे है? किसी से नहीं मुकाबला है, मुद्दा विहीन लोग जो क्षेत्र में है, किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। और जब मुद्दा विहीन लोग होता है तो लड़ाई में नहीं किसी नहीं होता। ठीक है, मेरे नेता का एक ही मुद्दा है कि बिहार को आगे ले जाना है, हर एक क्षेत्र में आगे ले जाना, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो और सम्मान के क्षेत्र में भी हो। बड़ा गाली देता है लोग, जो बिहारी सुनने को मिलता है हम लोग बाहर में जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एक डॉक्यूमेंट्री तैयार हो रही है लोजपा की तरफ से, जिसमें हम लोग का स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सरकारी जितने भी कर्मचारी लोग हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, लाठी खा रहा है लोग, उनके साथ में जो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दा है इस बार आपका? एक विजय, पहले की जो हमारी छपरा विकास की मुद्दा था उसको हमने पूरा किया, जो बचे खुचे हैं उसको पूरा करेंगे, जो मन शांति है उसको बरकरार। सर जगह जगह विरोध भी हो रहे हैं आपको लेकर? विरोध होना स्वाभाविक है, ये तो राजी मेरे बड़े भाई के रूप में अच्छा लड़ाई लड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे चुनौती मिलेगी आपको? ना चुनौती तो कोई है ही नहीं है। आप मैंने हमारे क्षेत्र में जाकर देख लीजिएगा, कोई चुनौती नहीं है। मुद्दा क्या क्या है आपका? मुद्दा सरकार के खिलाफ पूरा मुद्दे है, जैसे कोरोना में बीमार है, बाढ़ से परेशान है, बेरोजगारी का तादाद है, इसके बाद कोई अफसरशाही चरम सीमा पर है, अफसरशाही जो सरकार कोई किसी का सूद लेने के लिए तैयार नहीं, ऐसा सरकार तो कभी लोगों को मिला भी नहीं होगा। भाजपा में आया, जब से भाजपा का मैं पलाया और अभी की स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी को बधाई धन्यवाद देना चाहते हैं कि छोटे से कार्यकर्ता को उम्मीदवार काम करने का करने का मौका दिया है, उनकी उम्मीद पर पूरा पूरा काम करने का प्रस्ताव करेंगे और आजीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते हैं। आप तो विधायक भी रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है जो आपने छोड़ दिया जो आप पूरा करेंगे? विकास निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है, रुकता नहीं। हमने बिल्डिंग बना दिया, अब उसमें अल्ट्रासाउंड लगाना है, उसमें एक्सरे लगाना है, उसमें जांच मशीन लगाना है, तब उसका फायदा हम लोगों को मिलेगा। उस तरह से स्टेडियम बनाना है, उसमें खेल का मैदान विकसित करना है, क्लास करना की जरूरत है, कंप्यूटर क्लास लगाना है, आज जब उतरा की जरूरत नहीं है, आज खेल मैदान की जरूरत है, स्ट्रेट की जदयू में रह के नहीं कर सकते थे। सरकार सबकी सरकार होती है, उसमें केंद्र की और बिहार की दोनों की सरकार होती है और दोनों से हम लोग कार्य कर रहे हैं।